gate can be realized from a DTM gate by replacing the three input diodes by replacing the three input diodes. DTM में कौन कौन से input diode? DBDBC. By replacing three input diodes DA, DB, DC from emitter base junction of a multi emitter transistor. Transistor. ये बाद में जब मॉडिफाइड करेंगे तो वो आपकी सिचुएशन पर ही रहेगा. दो ट्रांजिस्टर भी और यहाँ पर लगेंगे जब मॉडिफाइड टीटीएल गेट की बात है. यहाँ पर जो ये तीनों ट्रांजिस्टर हैं अलग अलग दिखाए जा रहे हैं जो आप क्रमदार टीटीएल और तीनों ट्रांजिस्टर की जगह पर मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है. तो मेरे में सर्किट बनाएंगे ये सर्किट आपकी किस प्रकार के हो सकते हैं. The three input BJT means multi emitter transistor. The three input BJT will operate in either cutoff mode in
either cut or move or inverse active move. These three BJT are connected. In common base, common collector charge. Common base, common collector charge. तीनों के बेस भी कामन करेंगे, तीनों के कलेक्टर भी कामन करेंगे। पैराग्राफ की इंटरलिटी का द कामन कलेक्टर टर्मिनल्स द कामन कलेक्टर टर्मिनल्स आप दीज बीजेपी is connected with the base of output BJT is connected with the base of output BJT bracket written with T3 the common base terminal is connected with external supply. Common base terminal is connected with external supply bracket में plus VCC through a resistance capital R. The basic operation of TBL way, basic operation of TBL way is NAND operation. If any input of the three input transistor is at logic 0. Is at logic 0. The output transistor T3 is cut off. And the gate output is at logic level 1. If all inputs are at logic 1, the transistor T3 is in saturation. Transistor T3 is in saturation. And the output is at logic level 3.
आप लोग यहाँ पर जो भी जमीन है उसको आप लोग रट लेते हैं, जब डायग्राम में दिखाने के लिए कहता हूँ तो नहीं होता है, यहाँ से याद रखा करिए। जब कंपनी आपको समझानी हो किसी को तो यहाँ पर जंक्शन की बात जरूर किया करिए। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को भी जीरो लेते हैं, मान लीजिए कि इनपुट के आपने लाइन केबल जीरो पर ले लिया है, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर पहला ट्रांजिस्टर है इसकी जो ये जंक्शन है जिसे आप बेस इमिटर के बीच की पीएन जंक्शन कह रहे हैं, सिंपली इसे आप ईबी दे कहते हैं, ये आपकी यहाँ पर क्या कट है रिवर्स बैक। जब आपने मीटर को जीरो पर कर दिया तो ये आपकी यहाँ पर रिवर्स बैक कह सकते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर जो आपका कॉमन बेस टर्मिनल है तीनों का, ये क्योंकि बीसीसी से सप्लाई है, यहाँ पर ये हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने कहा था कि ट्रांजिस्टर दो मोड में ऑपरेट करेगा, एक कटाव मोड होगा और दूसरा इनवर्स सर्किट होगा। इनवर्स सर्किट मोड का मतलब पीएन जंक्शन उल्टी डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है। जब आपने किसी भी लाइन को जीरो पर रखा तो इस कंडीशन में यहाँ पर इमिटर इसका जीरो पर हुआ, मतलब कि लो पोटेंशियल पर हुआ, और बेस जो है वो हाई पोटेंशियल पर हुआ। बेस हाई पोटेंशियल और इमिटर लो, इसका मतलब कि इनवर्स मोड में आ गया, और इस कंडीशन में इनवर्स डायरेक्शन में वर्क करेगा। और यहाँ पर जो इनपुट के साथ ग्राउंड लगा, यहाँ पर इनपुट अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो दो टर्मिनल चाहिए, एक ए बी सी में से कोई हो सकता है, दूसरा ग्राउंड होगा, सीधे यहाँ पर ग्राउंड इसको मिल जाएगा। और इस कंडीशन में यहाँ से टोटल बी सी सी आपका यहाँ पर ग्राउंड होगा। अब अगर कोई एक भी ट्रांजिस्टर यहाँ पर ग्राउंड हुआ, मतलब कि इसकी इंटर बेस जंक्शन इनवर्स मोड में आई, तो इस कंडीशन में टोटल जो आपकी सप्लाई है ग्राउंड पर आएगी और कलेक्टर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगी। इस कंडीशन में जो आपका ये ट्रांजिस्टर T3 है, इसके बेस पर कोई करंट नहीं मिलेगी और ये ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ मोड में आ जाएगा। कट ऑफ मोड में आने का मतलब कि यहाँ पर जो इसकी इंटर बेस जंक्शन है, ये इंटर बेस जंक्शन कट ऑफ है, परिणाम क्या होगा कि यहाँ से आने वाली जो सप्लाई है वो सीधे आपको मिलेगी, आरसी के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल ग्राफ नहीं। जितनी चीज क्लियर मैं आपको बतानी आनी चाहिए, या किसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपने किसी भी इनपुट को जीरो लाजिक पर रखा तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो इंटर बेस जंक्शन है वो आपकी इनवर्स सर्किट मोड में होगी, और यहाँ पर कलेक्टर के थ्रू इसके कोई भी यहाँ पर सप्लाई नहीं मिलेगी, मतलब कि T3 पर बेस करंट जीरो है। अब इस कंडीशन में T3 कटा होगा और आपको अगर आपने यहाँ पर तीनों को लाजिक लेवल 1 पर रख दिया, हाई कर दिया इंटर को, और यहाँ पर इंटर जो है आपका NPN है, मतलब कि ट्रांजिस्टर NPN आपने लिया है, जीरो बाहर की तरफ रखी, N को हाई रखने का क्या मतलब हुआ, इंटर बेस जंक्शन कट ऑफ, बेस जो है वो लो पर हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस R के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ पर आप यहाँ पर उससे डाइव कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 5 वोल्ट प्रोवाइड करें प्लस 5 वोल्ट, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि ये बराबर हो गया तो कैसे कटा, जहाँ पर जो रेजिस्टेंस आर लगा है इसके थ्रू कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए इमिटर यहाँ पर तीनों में बेस के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पर होंगे और एन टाइप पी टाइप बेस के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पर है, इसका मतलब कि इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स पर, और अगर इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है इसका मतलब कि इनपुट ट्रांजिस्टर तीनों आपके कट ऑफ मोड में, और अगर ये कट ऑफ है तब इस कंडीशन में अब जो इसका फ्लो होगा वो कलेक्टर के थ्रू होगा, ठीक है, कलेक्टर जंक्शन के थ्रू, और यहाँ पर जो कलेक्टर है इसके T3 के बेस पर कनेक्ट है तीनों के कॉमन पर, और यहाँ पर बेस करंट मिलेगी, T3 सेचुरेट कर जाएगा, और जैसे ही T3 सेचुरेशन में होगा यहाँ पर RC के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, डायरेक्ट कनेक्शन लग जाएगा ग्राउंड से। यहाँ पर ये वर्ड यूज करते हैं, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि RC के साथ पोटेंशियल ड्रॉप आई क्यों, आई बढ़ने पर मेरे यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जीरो है, सफिशियंट वैल्यू है, तो आईसी भी आपकी जीरो के बराबर।
बराबर नहीं होंगी और आईसीआरसी लाभ होगा। तो आईसीआरसी लाभ होने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो करंट है इसको डायरेक्ट पार मिल जाता है और आरसी सप्लाई के बीच में एक टर्मिनल इससे पॉजिटिव जुड़ा और दूसरा नेगेटिव, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है और इस कारण से आउटपुट आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, ये चीजें फिगर देख कर बोलनी आनी चाहिए आपको अपने तरीके से। आप जो मैं लिखाता हूँ उसको लाइन बाई लाइन बताते हैं, बार बार पूछता हूँ उसको लाइन बाई लाइन एकदम बताएंगे लेकिन फिगर में नहीं कहता हूँ, फिगर में बताइए तो दिक्कत होती है। देख कर अपनी कुछ चीजें याद किया करिए, एक बार टाइम देंगे तो याद, जितना रखने में टाइम देते हैं एक बार उसका टाइम कम करिए और यहाँ से समझिए तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, नहीं कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि क्या कर रहे थे, आई सी ज़्यादा होने पर आई सी ज़्यादा होगा या नहीं होगा, ये कंफ्यूजन नहीं है और नहीं बता पाए। इसलिए फिगर को देख कर एनालाइज किया करिए वर्कशीट को। ठीक है, आगे लिखिए मल्टीमीटर ट्रांजिस्टर, आप केवल डायग्राम से देखेंगे यहाँ पर मल्टीमीटर ट्रांजिस्टर कैसे फैब्रिकेट किया जाता है। प्रत्येक से यहाँ पर टर्मिनल बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर जो पी टाइप है इससे जो टर्मिनल बाहर निकलेगा यहाँ का बेस टर्मिनल, जो बाहर का एन टाइप था उससे टर्मिनल कनेक्ट करके बाहर निकालेंगे। ये आपका करेक्ट है, ये जो थ्री हाईली डोप्ड एन रीजन है पी रीजन के अंदर, ये आपके कर्ण का इंटर टर्मिनल को तीनों इंटर होंगे एबीसी, इस प्रकार से आपका मल्टी इंटर ट्रांजिस्टर ट्रांसफर। सिंबल इसका दिखाते हैं, तीनों यूनिट के साथ
सभी डिवाइसेज और की जाते हैं। आईसी के अंदर अलग से आप कोई भी डिवाइस नहीं लगाते हैं, ये समय आईसी का प्रोग्रेशन होता है। वहाँ पर सारी डिवाइसेज सेमी कंडक्टर चिप में ही फॉर्म की जाती हैं। जैसे आपको मेनली जो पढ़ना है उसमें रजिस्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर, ये तीन बेसिकली पढ़ना है। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेट करके, तो वो कैसे फॉर्म होता है वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से की जाती है। एक ही चिप में सारी डिवाइसेज करते चले जाते हैं, हालांकि वो टेक्निकल डिवाइसेज होती हैं। जब आप किसी भी आईसी की बात करते हैं और अगर आईसी के हम एरिया की बात करें और ये एरिया मान लीजिए एक सेंटीमीटर स्क्वायर का सर्किट डायग्राम आप इसको बना लीजिए। बना अभी नहीं बना वो बन गया। मॉडिफाइड टीटीएल गेज सर्किट डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ मॉडिफाइड टीटीएल गेज इज शो इन द फॉलोइंग फिगर। फिर से तीन को हम इकट्ठा करेंगे
जिसमें आपका आएगा टी टू बी और टी थ्री। बेसिकली चार मेजर पार्ट यहाँ पर डिवाइड करना है, बगल में लिख लेंगे ताकि डायग्राम में या सिंपल डी बात में टी वन मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर जो कि आपका इनपुट ट्रांजिस्टर है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। अगर आता है कभी तो आपको ये डायग्राम नहीं मिलेगा कि किस प्रकार से और कुछ नहीं करना है। दूसरे में ट्रांजिस्टर टी फोर और ये कहलाता है आपका फेज मीटर। यहाँ पर जो लगा हुआ आर सी फोर और आर टी के साथ मिलकर ये फेज स्प्लिटर डिजाइन करेगा। पहला इस बार जिसमें हमने आर सी टू प्लस टी टू प्लस डी ये आपका कहलाता है के साथ साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल उसमें कभी कभी आप पूछते हैं कि डायोड डी का यूज जो बीच में डायोड डी इसका यूज क्या है। हालांकि ये प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम नहीं है, प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम जो पहला हमने बनाया था वही आपको मॉडिफाइड पीटीएल गेम यहाँ पर जो ये
उसी कारण से यहाँ पर आप उसको तुमने ये कैपेसिटर दिखाया है सीना जो कि ये भी होगा इसके कैपेसिटेंस के रूप में उसके कारण आप यहाँ पर भी नाट आउट हो गए पर्टिकुलर होना चाहिए मतलब कि इनका अरेंजमेंट जिस प्रकार से हो कि पावर लॉस भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अनाज रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए ठीक है। ये यहाँ पर इस प्रकार से लिया जाएगा और टी टू डी और टी थ्री एक साथ मिलकर होल अरेंजमेंट का फॉर्मेशन करना ये सारा लेकर क्लास में करवाइएगा हम सबसे कहते हैं और अगर टाइम बदलना है